तो गाइज हमने स्टार्ट किया हुआ है बिग बॉस देखना। सो गाइज हम अपन जा रहे हैं सैर करने, बाहर घूमने फिरने। कैसा है यार ये जीव सा पीलिया फिरा हुआ इसमें। आज हम तुम और सनम मिल के ये वादा करे, मैं तेरे दिल में रहूं तू मेरे दिल में रहे। सो मैं जा रही हूँ नीला की तरफ और नीला को जगाने और फिर उसके बाद जाएंगे सलोन, जो सुबह की रूटीन होगी आपसे शेयर की जाएगी। वेलकम बैक टू नीला हीरा व्लॉग। नीला को छोड़ के अब मैं घर आई हूँ, नहाने और कपड़े मैंने रख दिए हैं इधर और नहाने के लिए जा रही हूँ वॉशरूम। फ्रेश होने के बाद की देखे लुक मेरी फुल। नीला नीचे क्लाइंट को कर रही है काम, शाम तो मिलते हैं हेयर कॉमिंग के बाद। मैं अभी आई हूँ ये मेडिसिन लेके, मैंने इसका रिव्यू देखा था यूट्यूब पे, ये मुझे मिली है 1250 की, इनके ऑफिशियल ब्रांड से, ऑफिशियल जो इनकी है ना वेबसाइट उधर से मिल रही है ये 1400 समथिंग की, ठीक है। 500 mg का ये कैप्सूल है, तो ये फीमेल्स के लिए बहुत मुफीद है। मैं भी इंशाल्लाह अब यूज़ करूँगी, फिर आफ्टर यूज़ रिज़ल्ट इसके मैं आपको बताऊँगी। इससे ये है कि फेस पे हेयर्स आना, देन जो आपके पिंपल वगैरह आते हैं ना उस चीज़ के लिए, हार्मोन्स को जो है ना बैलेंस करता है, ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। 60 इसमें कैप्सूल्स हैं सॉफ्ट जेल। इंशाल्लाह आफ्टर रिव्यू मैं आपको इसका ज़रूर दूंगी, ये कैसा है, ये वाकई वर्थ इट है कि नहीं, पैसे लगाना आपके जायज़ हैं या नहीं, देन अब ये इस्तेमाल के बाद ही पता लगेगा। जब ये पूरी शीशी ख़त्म होएगी फिर बताऊंगी गाइस। इनमें बहुत मल्टी हैं, नए स्किन केयर के भी हैं, वो भी इंशाल्लाह लेके आऊंगी। सो अब शुरू करते हैं, अपनी जो रूटीन है इंशाल्लाह शेयर की जाएगी गाइस। ठुशुम ठुशुम। तो ये देखें ये इस तरह पैक है, सील है भी। कैसा है यार ये जीव सा पीलिया फिरा हुआ है इसमें। माई वाटर माई कैप्सूल। सो गाइस मैं खाने लगी हूँ अपना पहला कैप्सूल और इसका रिव्यू मैं आपको आफ्टर 30 days बाद दूंगी और बताऊंगी ये वर्थ इट है कि नहीं, ये आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। सो मैं खा के फंस गया मेरे गले में। गाइज आपने घबराना नहीं है, दिस इज अ नेचुरल वॉइस ऑफ नीला। कान में खारिश होते गाइज, जब भी हमने कहीं जाना होता है ना, जाने के 2 मिनट पहले इनको याद आता है मुंह धोना। तो सही बात है ना, करना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। केयर करने के आई नहीं, कितनी देरी मुंह धोना है। सो गाइज हम अपन जा रहे हैं सैर करने, बाहर घूमने फिरने, और ये मैंने गाउन पकड़ा हुआ है। हमें जितनी भूख लगी हुई थी हम आए हैं इधर पुलाव खाने, यहाँ का फेमस पुलाव है। और ये देखिए किस तरह नीला खा रही है और मैं भी अब टूटते हुए, और आप देख सकते हैं किस तरह मेरी बाइट बन चुकी है। गाइस आ जाए आप भी खा लें खाना, तो बड़े ही मज़े की फर्स्ट बाइट थी, मज़ा ही आ गया मुबशर पुत्र। तो गाइस हमने स्टार्ट किया हुआ है बिग बॉस देखना, बिग बॉस 17। तो आपको हम रिव्यू देंगे कि हमारे लिए इस सीजन के कंटेस्टेंट जो हैं वो कैसे हमें 2 दिन में लगे हैं, मींस कि अपना रिव्यू देंगे कि वो उनकी गेम कैसी लगी है और कौन बिन पेंदे का लोटा है और कौन थाली का बैंगन है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे आगे देख के। तो शुरू करते हैं अब बिग बॉस देखना, हमारी कमेंट्री भी जारी रहेगी। सो गाइज ये मुझे लगता है बिन पेंदे का लोटा अपने आप को समझ रहा है, ये सिद्धार्थ शुक्ला जो के तीसमार खान जो के जीरो है, ये जीरो मुझे दिस बॉय या मुझे जरा भी पसंद नहीं आया ये लड़का, इसको निकल जाना ही बेहतर है। ये देखिए मैं भी सो ये बिन पेंदे का लोटा ये इनको एम्बैरेसमेंट कर रहा है, जब उन्होंने इस चीज को पर्सनली ही शो करवाया है तो इसको ये चीज को ना एक मुद्दा और ऐसे क्रिएट नहीं करना चाहिए था, और ये है ही बिन पेंदे का लोटा। इनू वेख लो पता नहीं केड़ी हिडवाना चंडा ठंडा खा के फिर उस पीछे
इधर एक समझ आया ना, दो बिन पैंदे दे लोटे। ये बहुत अच्छा बंदा है मनवर। सो ये थाली का बैंगन है गाइस, जिस पेड़ के नू शायद लग रहा है ने उत्ते पहुंच जाना। ये इन्होंने का सीन ही नहीं समझ इन्हां दा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये बिन पैंदे का लोटा है गाइस, याद रखना है ये थाली का बैंगन। और ये चांदपुरे को समझने में लग रहा है टाइम तो आगे आ रहा है थाली का बैंगन। गाइज इतना ही व्लॉग बना था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। मेरे दिल की ये दुआ है कभी।